रहा आपका आर्कमिडीज प्रिंसिपल, इसके ऊपर जो स्टार लगाने हैं लगा लो। दो क्वेश्चन पक्का इन चैप्टर में से आने वाले हैं। पहला स्टेट एंड प्रूव आर्कमिडीज प्रिंसिपल स्कूल में, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए पक्का आएगा। और दूसरा, दो चार लेक्चर के बाद एक थ्योरम आएगी, बर्नौलीज थ्योरम, वो तो पक्का 100-200% आएगा आएगा। ये 3-6 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, तो 3 तो पक्के करें आज पहले। ठीक, तो स्टेट एंड प्रूफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं 1 मिनट बाद।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी सुना होगा, नाम तो आर्किमिडीज सबको पता ही है। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो वो इक्वल होता है उसके, ठीक। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बुक की लैंग्वेज है इसको थोड़ी देर में समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, जिसके लिए असाइनमेंट नंबर 110, नेक्स्ट असाइनमेंट इसका नंबरिंग डाल लो 110 110। देखो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं ऐसे समझाता हूं, मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तरीका कि जब कोई बॉडी फ्लोट, या जब भी कोई बॉडी रादर आप लिक्विड में डालें, चाहे वो ना भी फ्लोट करे, आपने लोहे की बॉल को डाल दिया, आपने लोहे की बॉल को डाल दिया, फ्लोट नहीं कर रही, तो कोई भी बॉडी जब लिक्विड के अंदर जाएगी तो उसका अगर एयर में वेट 10 न्यूटन है तो लिक्विड में जाते ही लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा? अप थ्रस्ट, लिक्विड फोर्स लगाता है। मान लो लिक्विड ने कितनी फोर्स लगाई? 2 न्यूटन। तो बॉडी विल एक्सपीरियंस कि उसका वेट थोड़ा कम हो गया। हम भी तो अगर पानी में जाते हैं हम हल्के फील करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है उस पर अप थ्रस्ट एक्ट करता है ऊपर की तरफ, जिससे कि हमें फील आता है कि वेट कम हो गया। और वो जो वेट जो अपथ्रस्ट है अगर 2 न्यूटन है और बॉडी का वेट 10 न्यूटन है तो 10 में से 2 गया, हमारा वेट कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 10 न्यूटन ही है। अगर पानी हमारे ऊपर, ये लिक्विड हमारे ऊपर फोर्स लगाता है 3 न्यूटन, तो हमें वेट का एक्सपीरियंस होगा 7 न्यूटन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर इसका वेट 10 न्यूटन की जगह 8 न्यूटन अपीयर हुआ। अब ऑब्वियसली क्योंकि जब बॉल लिक्विड में गई तो लिक्विड क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ जब उसको मेजर किया गया? कई लोग बोलते हैं मास ऑफ द लिक्विड, नहीं मास नहीं बोला मैंने, वेट बोला। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो इस बॉल ने किया वो एग्जैक्टली लॉस ऑफ वेट के इक्वल आएगा, और लॉस ऑफ वेट कितना है? 2 न्यूटन, और अप थ्रस्ट भी कितना है? 2 न्यूटन। तो लॉस ऑफ वेट एंड अपथ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर बॉडी का वेट W1 है, लिक्विड के अंदर उसका वेट अपीयर होता है W2 है, तो देयर इज लॉस इन वेट। तो जो लॉस इन वेट है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? जितना बॉडी का अपथ्रस्ट है और जितना बॉडी का वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। क्या ये पहली डेफिनेशन समझ में आती है? तो एक चीज तो पक्की है कि जो अपथ्रस्ट है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वन एंड दी सेम थिंग है, ठीक। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पर मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसमें बॉडी फ्लोट करेगी, बॉडी तैर रही है, मैंने कहा ही नहीं। चाहे बॉडी मेरी तरफ से डूब जाए तब भी ये रूल तो लगेगा लगेगा, क्योंकि बॉडी डूबने के बाद भी हल्का तो फील करेगी करेगी, तो जो लॉस इन वेट होगा वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगा और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होगा। क्या ये पहला रूल क्लियर है? ओके, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल को फ्लोटेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। कब बॉडी तैरती है? आर्किमिडीज क्या बताता है कि बॉडी कब तैरेगी? तो बॉडी कब फ्लोट करेगी उसका प्रिंसिपल ये है। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, इसका वॉल्यूम वी है, मान लो वी डैश वॉल्यूम हवा में फ्लोट कर रहा है और वी माइनस वी डैश पानी में चला गया। तो ये पोर्शन ने जो डूब गया पोर्शन डूबा हुआ है, इसने वेट ऑफ लिक्विड को क्या किया? डिस्प्लेस।
तो इस पोर्शन ने लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, वेट नहीं वॉल्यूम, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, क्योंकि अगर इतना वॉल्यूम पानी के अंदर है तो पानी का वॉल्यूम बीवी माइनस वी डैश ही डिस्प्लेस हुआ होगा। तो इस पोर्शन ने कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया। आर्किमिडीज ने यह कहा कि यह बॉडी तब तैरेगी अगर इस पोर्शन ने जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑब्वियसली वो अब थ्रस्ट के इक्वल ही होता है, या अब थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। कहने का मतलब कि जो भी अपथ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर, अगर वो अपथ्रस्ट पूरी बॉडी के वेट के इक्वल है फिर तो बॉडी तैरेगी। अगर पानी अपथ्रस्ट नहीं प्रॉपर लगा पाया, वेट ज्यादा हो गया, तो बॉडी डूब जाएगी। तो अगर मान लो हमारा वेट या किसी भी बॉडी का वेट 80 न्यूटन है, और अगर उसको अपथ्रस्ट 80 या 80 से ज्यादा मिल गया फिर तो वो तैरेगी, अगर अपथ्रस्ट 80 से कम मिला तो वो डूब जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये बॉडी तब तैरेगी जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। कईयों को ये अजीब लगता है कि ऐसा कैसे, कि जहाज शिप तैर रही है, शिप का तो इतना सा पोर्शन पानी के अंदर है, बाकी तो हवा में ही है, तो इतने से पोर्शन ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वो होल वेट ऑफ शिप के इक्वल कैसे हो सकता है? वो होता है, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो हमें दिखता है वो काफी ज्यादा होता है। हम वो देख नहीं पाते रहता, लेकिन वो काफी ज्यादा होता है, और वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है? जितना शिप के ऊपर क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट। तो अगर अपथ्रस्ट होल वेट ऑफ शिप के इक्वल है तो शिप भी तैरती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस केस में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही अपथ्रस्ट होता है। अब एक चीज देखो कि अगर ये वॉल्यूम लिक्विड में कितना वी माइनस वी डैश है, तो वेट ऑफ द लिक्विड अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, वी माइनस वी डैश, क्योंकि सबमर्ज्ड पोर्शन कितना है, वी माइनस वी डैश, तो लिक्विड डिस्प्लेस भी कितना है, वी माइनस वी डैश, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो जितना इसका वॉल्यूम उतना है लिक्विड का वॉल्यूम, और हम वेट किसका निकाल रहे हैं, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी यूज करेंगे, लिक्विड की इनटू जी। तो ये किसका वेट आ जाएगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, और लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट। तो अगर मैं ये बोलूं कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और होल मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट ऑफ द बॉडी में टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है, वेट निकल रहा है बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की। जब वेट किसका निकल रहा था, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। एक और ठीक, तो फिर से देखो एक बार, इसमें वेट ऑफ द लिक्विड अगर निकालना है तो वेट में वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की इनटू जी। जब वेट ऑफ द लिक्विड पुट कर दिया, होल वेट ऑफ द बॉडी निकालना है तो वॉल्यूम किसका, बॉडी का, डेंसिटी किसकी, बॉडी की इनटू जी, और अपथ्रस्ट का यू। तो ये डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो आपको पता होनी चाहिए, और अगला लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर है, सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो राधर मैं ये चाहूंगा कि आप 2 मिनट लें और इन स्टेटमेंट्स को फिर से एक बार देखें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊं, क्योंकि रिटेन नहीं हो पाता अगर मैं आगे चल पाऊंगा। तो प्लीज 2 मिनट लें और इस दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से देखें।
देखो सब, अब इसके बेस पे देखो जो हमने किया, इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, इसको लगा के देखते हैं. एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्स्ड इन अ सी वाटर. ठीक है, तो सी वाटर में आइसबर्ग तैर रहा है, कुछ पोर्शन इसका ऊपर है और कुछ पानी के नीचे है. डेंसिटी ऑफ सी वाटर हमें गिवन है एंड डेंसिटी ऑफ आइस हमें गिवन है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव लेवल ऑफ सी वाटर. तो कितना फ्रैक्शन सी वाटर के ऊपर है ये आपको बताना है. तो टोटल वॉल्यूम अगर वी है तो यहां का वॉल्यूम वी डैश है, तो नीचे का वी माइनस वी डैश है. क्योंकि ये तैर रहा है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या आएगा, वी माइनस वी डैश. और कौन किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की इनटू जी. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, होल वेट में टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी. डेंसिटी ऑफ बॉडी में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई. डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ सी वाटर हमें पता है, v बाई वी वन है, v डैश बाई वी. सॉल्व करके v डैश बाई वी आ गया. 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन कितना हवा में है, तो कितना वॉल्यूम हवा में है v डैश, टोटल वॉल्यूम कितना है v, तो v डैश बाई v इंटू 100 क्या आएगा, 20%. कोई डाउट इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाया. और इस ऐसी प्रॉब्लम तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने करनी ही करनी है, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर अगली बार का. जाते हुए अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ करेंगे, जो कि अभी पिछली शीट में था, स्टेट एंड प्रूफ. देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ देखेंगे. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर देखो, इट स्टेट्स दैट When a body is immersed completely or partially in a liquid, it loses weight equal to the weight of the liquid displaced by it. ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने किया. इसके प्रूफ में इमेजिन करते हैं एक बॉडी. इस बॉडी, ये जो बॉडी है, इसकी सरफेस से डेप्थ कितनी है, ऊपर सरफेस की x, और नीचे से कितनी है x plus h. यहाँ पे लिक्विड प्रेशर लगाएगा P1, यहाँ से P2, तो यहाँ फोर्स लगेगी F1, यहाँ से F2. तो प्रेशर बोलो P1 इस पॉइंट पर क्या लगेगा, x रो जी. ठीक है, क्योंकि हाइट कितनी है यहां से x. बॉटम मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर बोलो क्या लगेगा, x प्लस h इंटू रो इंटू जी. ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट फोर्स की वैल्यू, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया. यहां पर प्रेशर कितना है, x रो जी इंटू एरिया a. नेक्स्ट यहां पर प्रेशर कितना है, x प्लस h इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया a. प्रेशर आ गया, प्रेशर से फोर्सेस आ गई. कौन सी फोर्स बड़ी बोलो, F2 की F1, F2 बड़ा है F1 छोटा है, तो नीचे की फोर्स बड़ी है ऊपर से, तो नेट फोर्स बोलो कितनी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F2 माइनस, और इसी को क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट. तो अब थ्रस्ट में F2 की जगह x प्लस एच इंटू रो इंटू जी इंटू ए माइनस x इंटू रो इंटू जी इंटू ए. तो अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू, इसे ओपन करते हैं, x रो जी ए प्लस एच रो जी ए माइनस x रो जी ए. तो ये कैंसल, तो अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू एच रो जी ए. तो ये बताओ कि ये हाइट h इंटू एरिया, इसका वॉल्यूम हाइट इंटू एरिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू. तो पॉइंट समझ में आया. अच्छा अब एक चीज बताओ, ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एक ही बात है. अगर बॉडी का वॉल्यूम वी है तो लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम भी एग्जैक्टली वी है. वी इंटू डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की, इंटू जी. तो बेसिकली आ क्या गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कोई डाउट इसमें, तो आपके असाइनमेंट में यहां तक सारा लिखा हुआ है, F2 माइनस F1 तक सब क्लियर है, यहां तक क्लियर है. तो आप एक काम कर सकते हैं, अप थ्रस्ट में जीरो जी लिखा हुआ है, लिखें यहां पर V के ऊपर एरो डाल के वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, V के ऊपर एरो डाल के लिख लें
दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वी के ऊपर एरो डालें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो के ऊपर एरो डालें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो के ऊपर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सेम, ये स्टेप लिखें ये वाला एग्जैक्टली ऐसे, और इक्वल टू लिखें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये लिखें, ये ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। सेम ये स्टेप, ऊपर वाला तो लिखा हुआ है, नीचे वाला सिर्फ ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है आगे। तो अब इसमें ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इस तरीके से, आगे आखिरी स्टेप में आपने ये लिखना है एक्चुअल वेट बॉडी का कितना है W1, और वेट कम क्यों हुआ था, क्योंकि W1 में से क्या माइनस किया, अप थ्रस्ट, तो W1 माइनस W2 क्या हो गया, अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट प्रूव किया अभी मैंने, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड, और यही क्या है हमारा आर्कमिडीज प्रिंसिपल इज इक्वल टू वी रो जी। एक स्टेप ये लिख ले प्लीज, एक स्टेप ये लिख लें, हो गया आर्कमिडीज प्रिंसिपल प्रूफ। तो लिख लेंगे स्टेट एंड प्रूफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल, तो यही आर्कमिडीज प्रिंसिपल है, जो लॉस इन वेट है वो अपथ्रस्ट होता है, और वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है।